प्रधानमंत्री को आपने ज्ञापन सौंपा है जी, सिटी मजिस्ट्रेट के थ्रू, क्या है मांगे, किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? ये भारत का दुर्भाग्य ही रहा है कि जिसे जिस जो समाज गाय को माता समझकर पूछता रहा है, जिस गौ रक्षा को लेकर महात्मा गांधी आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी समझते थे, उस पर आज तक आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी कोई कानून नहीं बन सका है। इस बात को लेकर आज प्रधानमंत्री को जी को संबोधित ज्ञापन हिंदू जागरण मंच द्वारा दिया गया है, जिसमें कि गौ हत्या पर केंद्रीय कानून बनाया जाए, जिसमें कि अपराधी को आजन्म कारावास और गौवंश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई है। वह अन्य हिंदू संगठन निरंतर इस बात को लेकर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गौ हत्या को लेकर विरोध करते आ रहे हैं, जो कल भी शांतिपूर्वक तरीके से ये कर रहे थे, लेकिन कुछ बाहरी विशेष समुदाय के लोग वहाँ बुलाए गए थे, जो कि अगर देखा जाए तो जल्द ही राम जन्मभूमि के मुद्दे को आग देने को काम करने के लिए, उन लोगों को हिंदू समाज को डराने धमकाने के लिए, जैसा कि एक, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, उनके पास ये वीडियो भी है और ये पुष्टि भी की गई है कि पाकिस्तान से कुछ लोग बुलाए गए थे और राम जन्मभूमि पर को लेकर, हिंदू समाज को डराने के काम को लेकर बुलंदशहर में बुलाए गए थे। वो लोग उस जुलूस में, उस आंदोलन में व उस विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित होकर उन लोगों ने हमलावर हुए हैं और उन लोगों ने ही पत्थर या अन्य हथियारबाजी जो भी हुई है और गोली पुलिस द्वारा भी चलाई गई है, जिसमें कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं व एक की मृत्यु भी हो गई है। ये दुखद है और इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, या जो जिन लोगों ने इस घटना को वो दिया है उनको सजा होनी चाहिए।